बनू में हालात शदीद खराब हो चुके हैं। जब से बनू कैंट पर दहशत गर्दों ने हमला किया है और उस ऑपरेशन के दौरान 5 से 8 जो मजदूर थे वो भी अपनी जान गंवा बैठे इस ऑपरेशन के दौरान ही, तब से वहां के शहरियों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि ये फौजी ऑपरेशन जो है ये पाकिस्तान के अमन के खिलाफ है। अब इसीलिए सेनेटर जो मुश्ताक अहमद है वो भी वहां पहुंचे हैं, उन्होंने भी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और जलसे से उन्होंने खिताब किया, जलसा कह लें आप या रैली कह लें, उससे उन्होंने खिताब किया कि ये जो अमन खराब किया जा रहा है इस पूरे मुल्क में ये हमें कबूल नहीं है और इसके खिलाफ जो है बन्नू की सारी अवाम सड़कों पर निकल आई है। अब यहाँ पर वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एकदम वहां पर आकर फायरिंग शुरू कर दी और मुजाहिरीन को भगाना शुरू कर दिया। आप ये सुने सेनेटर मुश्ताक क्या कह रहे हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर करके और अमन मुजाहिर लाखों की तादाद में लोग अमन के लिए निकले थे, सफेद झंडों के साथ निकले थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर की है, इससे कई लोग शहीद हो गए हैं और कई जख्मी हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में बहुत से जख्मी आए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फायर करके लोगों को मार दिया गया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, अगर सरकारी रियासती दहशत गर्दी है ये काबिल मजम्मत है। तो इसके बाद अब आप फायरिंग की ये वीडियो भी देखें जरा। دمر پاکستان فوج دین دا مرچ چ کس ناشته شلور کسان یوستل دین چ دخل کلوټه ورغلی دین دا دا کسان گبړ ورغلی د 15 کسان و زخمیان کړل وی یوستل तो इन विजुअल से पता चलता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस रेंजर्स जो है वो डायरेक्ट फायरिंग कर रही है अवाम पर और बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए हैं। यानी कि अवाम को प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त वहाँ पर नहीं दी जा रही कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। अवाम का कहना है कि हम अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं, हम इन ऑपरेशन को नहीं होने देंगे जिसमें हमारे अपने ही लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो इतनी मुश्किल से अमन कायम हुआ था वो दोबारा से ख़राब होता जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर, नीचे कमेंट्स में अपनी राय भी यहां पर जरूर दें कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का क्या हल है।